अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आजकल मौसम जो है वो ठीक ठाक ठंड है, जैसे आपको पता है बारिशों का भी हो रहा है, तो अपने जानवरों का आप ख़ास ख्याल रखें। अभी हमने जो अपने फार्म पे ट्रीटमेंट की है सर्दियों के हवाले से, बारिशों के हवाले से, तो वो आज आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं उस बारे में। ये बेसिकली शेड तो आपने देखा हुआ था, ये शेड पूरा कवर्ड किया हुआ है बारिश वगैरह से, अंदर जो भी खाने बने हुए उसके अंदर बारिश का पानी वगैरह नहीं जाता। ये साइड भी कवर की हुई थी, लेकिन ये साइड जो है पूरी, अगर आप यहाँ से देखें तो ये ओपन है। इसमें क्या ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है रात के टाइम, और जो हमारे फार्म की लोकेशन है इसमें जो है हवा का जो है डायरेक्शन वो बहुत ज़्यादा फार्म की तरफ है, ताकि सारे जानवर जो है इसमें डिस्टर्ब होते हैं और बाल खड़े कर लेते हैं। तो ये जो है अभी कपड़ा पूरा हम लोगों ने यहाँ पे शेड डाला है, ये आपको दिखा रहे हैं, और उसकी क्या इसमें फनकारी की ये भी आपको दिखा रहे हैं। बेसिकली ये तीन तारों के ऊपर, ये वाली आपको शायद दिख रही होगी, ये तार एक सेंटर में जा रही है, इसके ऊपर है, आराम से इसको रेलिंग से आप इसको मूव कर सकते हैं, और इससे जानवर जो हैं सिक्योर हो जाते हैं ठंडी हवाओं से और बारिशों से। तो अभी ये आपको मैं कवर करके भी दिखाता हूँ, और इससे अच्छा खासा टेम्परेचर जो है उसमें फ़र्क पड़ता है। जब अभी थोड़ा सा इसको कवर करके दिखाना, ये डंडे से अभी इसमें डोरी सिस्टम करना है, वो अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये वाला सिस्टम जो है आपको एक आइडिया देना था बेसिकली, कि आप भी अपने जानवरों को जो है अच्छी तरीके से कवर्ड करें, ताकि आपके जानवर जो हैं वो डिस्टर्ब ना हो सकें। ये अभी डंडे से जो है पूरा ओपन हो जाएगा, इसमें साइडों में रिंग डले हुए हैं और दोनों तरफ, और साइड में डोरियों के अंदर वायरिंग के अंदर रिंग है, रिंग से पूरा ईजिली जो है कवर्ड हो जाता है। ये देखें जानवर जो हैं इससे हवा से बच जाते हैं। अब ये फुल कवर्ड आके दिखाता हूँ मैं, फुल पैक हो जाता है ये, जवारी फुल पैक करके दिखाना। ये देखें तो आपको जिस तरह भी आपका फार्म डिज़ाइन हुआ हुआ है उसमें कोशिश करें कि हवा से लाजमी बचाएं। बारिश तो खैर अभी एसी वीक कह रहे हैं, लेकिन हवा जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक है जानवरों के लिए, तो जानवरों को आप अपने सेफ रखें। ये देखें अच्छा खासा जो है, एक तो यहाँ पे टेम्परेचर में अभी फ़र्क आया, और रात में जब ये एक सारा सिस्टम होता है मगरिब के बाद, तो जानवर खा पी के एक जगह बैठ जाते हैं सारे जो हैं, फिर वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। अगर इसमें आप मज़ीद ये कर सकते हैं कि आग जला सकते हैं, अगर आप यहाँ पे सेंटर में आग जलाते हैं तो ये जानवर भी कवर्ड हो जाएंगे, और ये जानवर भी जो है आपके कवर्ड हो जाएंगे और सर्दी से महफूज हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये छोटी सी वीडियो काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।